हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव। आज इस वीडियो में मैं आप सबको मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन जो नए पैटर्न बेस्ड पे आते हैं, जो कि BIPO में इस साल 2017 में पूछा गया था, उस पे जो जिस टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, और जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक, इन दोनों एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ये दोनों एग्जाम में आए। ओके दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो ये बहुत पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हमारा पहले क्वेश्चंस में हमारा इनपुट क्या है। हमारा इनपुट ये है, ओके, 5 4 1 3 2 8 3 4 1 1 और 3 3। ओके, तो ये जो हमारा इनपुट है उससे हमारा एक आउटपुट आ रहा है जो कि स्टेप वन है। ओके, तो 6 4 जो है हमारा 5 4 ब्लॉक और 3 4 ब्लॉक से एनी हाउ आ रहा है। तो कैसे आ रहा है वो हमको लॉजिक लगा के सोचना है कैसे आ रहा है। और 4 0 4 है वो हमारा 1 3 ब्लॉक और 1 1 ब्लॉक से आ रहा है। ओके, उसी लॉजिक से आएगा, लॉजिक विल नॉट बी चेंज्ड। ओके, उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से 6 4 आया है उसी लॉजिक से 0 4 भी आएगा, उसी लॉजिक से 4 9 आएगा। ओके, और स्टेप टू, अब जब हमारा ये स्टेप वन सॉल्व हो जाएगा तब हमारा ये इनपुट हो जाएगा और स्टेप टू जो है हमारा आउटपुट हो जाएगा, लेकिन लॉजिक जो है यहाँ पे जो लॉजिक लगा था वो लॉजिक कहीं चेंज नहीं होगा। ओके, लॉजिक रिपीट नहीं होगा। ओके, तो हमारा जो 2 4 ब्लॉक आया है वो हो सकता है कि इस ब्लॉक और इस ब्लॉक से आया हो। ओके, और 4 0 जो है हमारा इस ब्लॉक और इस ब्लॉक से आया हो, या फिर हमारा इस ब्लॉक या इस ब्लॉक को कंबाइन करके आया हो। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लाइंस से कनेक्टेड नहीं है। ओके, उसी तरह हमारा स्टेप थ्री, और जिस लॉजिक से हम स्टेप टू सॉल्व किए उस लॉजिक जो है वो स्टेप थ्री में मेरा फिर रिपीट नहीं होगा। मतलब लॉजिक जो है यहाँ पे डिफरेंट लॉजिक जो है वैरी करते रहेंगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं स्टेप वन में क्या लॉजिक लगाया है हमारा। स्टेप वन में देखते हैं हमारा कहाँ से आया है, 5 4 ब्लॉक से आया है और 3 4 ब्लॉक से आया है। ओके, तो देखें तो 5 × 4 क्या होता है, 20। ओके, 5 × 4 = 20। ओके, और 3 × 4 क्या होता है हमारा, 3 × 4 = 12। ओके, सो 20 - 8 क्या हो जाएगा, 20 - 12 = 8। ओके, और हमारा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो हमारा ये आ गया 64। ओके, उसी लॉजिक से हमारा 0 4 भी आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है, 1 3 1 × 3 3 और 1 × 1 1। सो 3 - 1 2। ओके, 2 का स्क्वायर = 0 4। ओके, तो हमारा 0 4 आ गया उसी लॉजिक से। अब हमारा देखते हैं 4 9 कैसे आ रहा है उस लॉजिक से। सो 8 × 2 16। ओके, और 3 × 3 9। सो 16 - 9 7, 7 square = 49। ओके, तो हमारा 49 आ गया उसी लॉजिक से। ओके, अब ये जो लॉजिक है जो हमने स्टेप वन में लगाया है वो लॉजिक स्टेप टू में रिपीट नहीं होगा। ओके, अब दूसरा लॉजिक से हमको स्टेप टू सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हमारा 2 4 जो आया है ब्लॉक किस तरह आया। ओके, तो देखते हैं तो हमारा 6 4 0 4। ओके, तो हमारा इस ब्लॉक से हमारा आया है स्टेप टू। ओके, तो कैसे आया, 6 + 4। ओके, 6 × 4। ओके, 6 × 4 = 20 एंड प्लस 0। ओके, = 6 + 0 + 4। ओके, सो इट विल बी 24। ओके, तो हमारा इस लॉजिक से आया है, 6 फर्स्ट ब्लॉक को मल्टीप्लाई करना है 6 × 4 = 24 और उसमें ऐड करना है 0 एंड 4, सेकंड ब्लॉक ऐड करना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारा 4 0 कैसे है। 4 0 हमारा इस दोनों ब्लॉक से आया। ओके, तो 4 × 9 क्या हो गया, 4 9 = 36। 4 × 9 = 36। 36 + 0 + 4 = 40। सो हमारा 40 आ गया। ओके, ओके दोस्तों, अब हमारा ये लॉजिक जो है इस स्टेप थ्री में रिपीट नहीं होगा। हमारा इनपुट क्या हो गया, अब हमारा इनपुट हो गया ये ब्लॉक। ओके, तो हमारा इनपुट जब ये हो गया तो अब हमको 16 लाना है, तो 16 कैसे आएगा। ओके, तो हमारा ये दो ब्लॉक है, यही दो ब्लॉक से हमारा ये आ सकता है। ओके, तो देख रहे हैं 16 जो है 4 × 4 जो है अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 16 आ जाएगा। ओके, यहाँ से हम देख रहे हैं इजिली, और हमारा 2 × 0 बचा है, 2 × 0 अगर करते हैं तो 0 आ रहा है। ओके, तो हमारा ये भी लॉजिक मिल गया हमको, ठीक है। अब ये लॉजिक जो है स्टेप फोर में रिपीट नहीं होगा। तो देखते हैं हमारा स्टेप फोर जो है 16 जो है वो कैसे है। 16 इजिली हम लोग देख रहे हैं कि 16 + 0 जो है वो क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। ओके, तो हमको 16 मिल गया। ओके दोस्तों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये लॉजिक हमको सारा पता चल गया तो हमारा एक इनपुट दिया रहेगा, उस इनपुट से हमको जो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके,
अब हमारा इनपुट क्या हो गया, ये हो गया इनपुट. अब हमको यहाँ पे इनपुट हो गया और हमारा आउटपुट ये है 983065. ओके, सिमिलरली उसी तरह से जो है जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा. ओके, लेकिन हमारा देखिए यहाँ पे लेकिन लॉजिक डिफरेंट होगा. ओके, लॉजिक चेंज होगा. ओके, तो हमारा देख रहे हैं कि ये दो 86 ब्लॉक और 25 ब्लॉक से क्या आ रहा है, 98 आ रहा है. ओके, उसी तरह 30 जो है हमारा कौन कौन ब्लॉक से आ रहा है, 42 और 32 से आ रहा है, और हमारा 65 ब्लॉक जो है वो आ रहा है हमारा 85 एंड 14. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि 98 जो है हमारा 86 और 25 से कैसे आया. तो देखिए 8 इंटू 8 प्लस 6 कितना होता है, 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14. ओके, और हमारा 2 प्लस 5 क्या होता है, 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7. ओके, तो हम देखते हैं कि 98 है तो 14 इंटू 7 जो है वो हमारा 98 हो जाता है. ओके, तो इसी मतलब इस हमको अपना लॉजिक पता चल गया. ओके, यही लॉजिक जो है अब हमको इस क्वेश्चन में भी इस आउटपुट में भी लगाना है और उसी तरह हमको ये आउटपुट आ जाएगा. लॉजिक अगर हम चलिए हम लोग लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं 4 प्लस 2 क्या हो गया, 6. ओके, और 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5. ओके, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30. अब हमारा जो है 65 है. ओके, तो 65 कैसे आ रहा है हमारा, 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13, एंड 1 प्लस 4 कितने हो गए, 5. ओके, तो 30 इंटू 5 कितना हो जाता है, 65. तो हमारा ये आउटपुट जो है वो सॉल्व हो गया. अब हमको देखते हैं कि स्टेप टू. ओके, अब हम स्टेप टू में आते हैं, देखते हैं हमारा ये स्टेप टू का जो आउटपुट है वो कैसे आ रहा है. तो हम इसमें लेकिन डिफरेंट क्या हो जाएगा, इसमें जो लॉजिक होगा वो स्टेप वन वाला लॉजिक रिपीट नहीं होगा, क्योंकि स्टेप लॉजिक हमारा वैरी करेगा. ओके, तो हर स्टेप में हमारा लॉजिक क्या होता है, वैरी करते जाता है. तो अब हम देखते हैं 1-4 हमारा कैसे आ रहा है. तो देखिए तो 9 प्लस 8 कितने हो जाते हैं, तो अगर हम देखें हमारा ये दोनों ब्लॉक से ये आउटपुट आना चाहिए, तो 9 प्लस 8 कितना हो गया, 9 प्लस 8 17 हो गया. ओके, 17 हो जाता है, और 17 प्लस 3 क्या हो गया, 17 प्लस 3 20. ओके, तो और प्लस 0. ओके, तो हमारा जो ये है ये ब्लॉक जो है वो हमारा ये दोनों ब्लॉक से आ रहा है. ओके, 20 जो है 20 ब्लॉक ये हमारा ये दोनों ब्लॉक से आ रहा है. तो 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 0 20. ओके, उसी तरह हमारा जो ये जो ब्लॉक है 1-4 वो हमारा 6-5 और 30 ब्लॉक से आएगा. तो देखिए कैसे आता है, 6 प्लस 5 कितने हो गए, 6 प्लस 5 11 एंड 11 हो गए, 11 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 14. ओके, तो हमारा ये आउटपुट आ गया. ओके, हमारा ये लॉजिक मिल गया और ये मतलब सॉल्व हो गया हमारा. अब हम आते हैं स्टेप थ्री में, स्टेप थ्री हमारा कैसे सॉल्व हुआ. ओके, स्टेप थ्री में हमारा क्या लॉजिक होगा, वो सिंपली हम लोग को दिख रहा है, ये ब्लॉक से हमारा स्टेप थ्री आ रहा है और इस ब्लॉक से स्टेप थ्री आ रहा है. तो 1 प्लस 4 क्या हो गया, 5, एंड 2 प्लस 0 क्या हो गया, 2. ओके, अब ये जो स्टेप 4 है डिफरेंट लॉजिक से सॉल्व होगा. तो डिफरेंट लॉजिक से जब सॉल्व होगा तो कैसे होगा. ओके, तो हम देख रहे हैं इजीली देख रहे हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 2.5 होता है. ओके, तो हमारा ये लॉजिक आउटपुट भी मिल गया और हमको लॉजिक सारे स्टेप्स का लॉजिक समझ आ गया. तो इसी तरह इस लॉजिक से बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा आपको आएगा एग्जाम में, तो आपको इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको इजीली 5 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये दोस्तों. ओके, तीसरा क्वेश्चन, अब हमारा इनपुट क्या है, ये इनपुट आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है. तो हमारा उसी सिमिलरली जो है जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, हमारा 4 और 8 जो आउटपुट है वो किस ब्लॉक से आ रहा है, 22 ब्लॉक से आ रहा है और 62 ब्लॉक से आ रहा है. तो कैसे आ रहा है देखते हैं. ओके, तो देखते हैं तो ये टू इन सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं. ओके, 2 into 2 ओके इज इक्वल टू 4 एंड 6 into 2 ओके 12. ओके, 12 into 4 क्या हो रहा है, 48. ओके, तो हमारा 48 आ रहा है. तो अब हम देखते हैं कि ये जो लॉजिक हम इस आउटपुट में लगा है वो लॉजिक हमारा इस आउटपुट में लग रहा है कि नहीं लग रहा है. ओके, लगेगा तो ठीक है, हमारा मतलब लॉजिक पता चल गया. ओके, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, 1 into 4 इज इक्वल टू 4. ओके, और 1 into 8 इज इक्वल टू 32. ओके, सो 1 into 8 is equal to 8, 4 is 32. ओके, तो हमारा ये लॉजिक जो है वो सही बैठ रहा है. ओके, तो हम क्रॉस चेक करने के लिए थर्ड में भी लगा के देख चेक कर लेते हैं एक बार कि मेरा ये जो इससे अगर हम बैठ गया तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ हमारा लॉजिक यही है. तो अब देखते हैं 4 into 2 क्या होता है, 8. ओके, 4 into 2 8, और 3 into 4 12. सो 12 into 8 96 सही है हमारा आ गया, मतलब लॉजिक हमारा जो हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सही आ रहा है. ओके, अब चलते हैं स्टेप थ्री में. ओके,
स्टेप थ्री जो हमारा है वो अब आउटपुट क्या है हमारा, इनपुट क्या है, सॉरी इनपुट है हमारा ये, इनपुट है आउटपुट हमारा ये है. तो अब ये जो आउटपुट है हमारा 15, तो हमको लग रहा है कि इस ब्लॉक से हमारा ये आउटपुट आ रहा है ओके, और इस ब्लॉक से हमारा ये आउटपुट आ रहा है ओके. देखते हैं कि अब हम क्या लॉजिक लगाए कि हमारा ये आउटपुट आ जाए ओके. तो मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पर लगा चुके हैं ओके. तो हम चलते हैं अब देखते हैं एडिशन लगा के देखते हैं ओके. तो 84 कितना होता है, 84 12 होता है, 12 प्लस 3 कितना होता है 15 ओके. तो हमारा 15 आ गया ओके. मतलब ये ब्लॉक और ये ब्लॉक ओके, ये तीन ब्लॉक को एडिशन करने पे हमारा 15 आ रहा है. तो अब क्रॉस चेक करने के लिए हमको ये जो दूसरा आउटपुट है उसको भी तो इस लॉजिक से लॉजिक पे बैठाना पड़ेगा. अगर बैठ गया तो आ गया, सही हो जाएगा हमारा लॉजिक ओके. तो देखते हैं ओके. सो 2 प्लस 9 प्लस 6 ओके, 2 प्लस 9 प्लस 6 कितने हो जाते हैं, 17 हो जा रहे हैं ओके. तो हमारा लॉजिक जो है वो सही है. मतलब जो हम इस आउटपुट पे जो लॉजिक लगाए थे वो लॉजिक जो है इस आउटपुट पे सही बैठ रहा है. तो हमारा लॉजिक सही है ओके. अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या है. नेक्स्ट आउटपुट है हमारा 01 और 35 ओके. तो इस पर क्या लॉजिक लगेगा ओके. तो इस पर लॉजिक लगने के लिए चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हो गया है मेरा, मतलब एडिशन हो गया है ओके, सब्सट्रैक्शन बचा है ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन एक बार और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है ओके. क्योंकि हमारा 35 है और 01 है ओके. तो अगर ये 1 और इस 1 ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये जो है 01 आ रहा है ओके. तो मल्टीप्लिकेशन से एक आ रहा है, लेकिन अब हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास दूसरा भी आउटपुट है ना. तो वो अगर मेरा आ रहा है तो अब हम सही मान लेंगे कि हाँ मेरा ये लॉजिक सही है. देखते हैं 7 × 5 क्या हो रहा है, 7 × 5 = 35 ओके. तो मेरा सही आ रहा है ओके. तो मेरा मल्टीप्लीकेशन लॉजिक से ये जो है आउटपुट आ रहा है. तो मेरा ये लॉजिक सही है. अब देखते हैं कि मेरा एक और स्टेप है ओके, स्टेप 4 ओके, एक आउटपुट और है मेरा. तो ये आउटपुट जो है लाने के लिए हमको क्या कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा ओके. तो अगर हम देखें तो 35 है और 01 है, तो हमको देखने से ही लग रहा है कि ये एक एडिशन का आउटपुट लग रहा है हमको. ठीक है ठीक है. तो एडिशन क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 1 ओके + 0 = 9 आ रहा है ओके. तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, बैठ गया ओके. आउटपुट मेरा आ गया, मेरा लॉजिक भी सही हो गया. मैं मतलब चार स्टेप्स के सारे लॉजिक हमको पता चल गया. ठीक है. तो अब हम जो है क्या करेंगे, इससे बेस्ट एक नया क्वेश्चन आता है ओके. इससे बेस्ट एक इनपुट आपको दिया रहेगा. ठीक है, इनपुट दिया रहेगा आपको एक डिफरेंट टाइप्स का और डिफरेंट क्वेश्चंस का दिया रहेगा, और इस लॉजिक सेम रहेंगे, लॉजिक सेम रहेंगे. ठीक है. तो वह उसी लॉजिक से आपको वो आउटपुट निकालना है सारा, और उस पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बेस्ट रहेंगे ओके. 5 मार्क्स के क्वेश्चंस. तो अगर आपको लॉजिक पता चल जाएगा तो आप 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 5 मार्क्स सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक जो अपकमिंग एग्जाम है तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपको अच्छा स्कोर 35 प्लस, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 35 प्लस मेरा टारगेट है कि रीजनिंग में 35 प्लस लाना है. ठीक है दोस्तों. तो आप चलते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो क्या पसंद आया ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कुछ भी मतलब बोलना हो, क्वेश्चंस हो आपको, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें ओके दोस्तों. और शेयर अपने दोस्तों के अमाउंट जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों. इससे क्या होगा कि जिनको भी प्रॉब्लम होगा इस टाइप के क्वेश्चंस बेस पे, तो उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी ओके दोस्तों. थैंक यू, गुड बाय.